हाँ जी स्टूडेंट्स सत श्री अकाल जी, तुहाडा सब का स्वागत है जी डीडी अकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आई होप तुम वधिया तैयारी कर रहे हो जी, है ना, तो सब ठीक ठाक भी होंगे तो अपने वधिया ढंग नाल तैयारी कर रहे हो। क्लीयर है जी। तो तुहानूं जिवें पता है एसएससी एमटीएस की सीरीज़ चलाई हुई सी, ठीक है। तो इंग्लिश दी जो प्रीवियस वीडियोज़ ने पहले तो जाके वो देख लियो, क्लीयर है, ठीक है, क्योंकि वो देखनी जरूरी है। बेस है तुहाडा, बेसिक जो प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। बेसिक लैवल की जी तुहानूं इंग्लिश हैगी ना वो आने लग जाएगी, एटलीस्ट उन्नी तो तुहानूं जे आप हायर करने जाना है वो तुहाडा बेसिक है, वो तुहानूं आनी चाहिए है, ठीक है ना। तो चलो हुण आपां अज टेंस की अगली वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी, ठीक है। टेंस की साडी जी अगली वीडियो है जी, असी वो कंटिन्यू करांगे। चलो मैं पिछे वीडियो के विच तुहानूं दस्सिया सीगा कि टेंस, ठीक जी। तो टेंस की दसदा तुहानूं असीं कीता सी पिछला, मैं कहा सी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करांगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होगी जी, अफकोर्स ही गल है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की की पहचान होगी। जिवें मैं बोला वो 2 सालों तो तैयारी कर रही सी, असी 2 महीनों तो पढ़ रहे सी, है ना। तो देखो पास्ट दी टाइमिंग नाल आपां पास्ट दा ही वो कनैक्ट किया होया, क्लीयर है जी। तो हुण इहदी पहचान देखो की लगूगी जी, सबजैक्ट। मतलब ये काम तुहाडा पास्ट शुरू होया होगा तो पास्ट दे विच ही कुछ टाइम नहीं जारी रहा होना, ठीक है। सबजैक्ट प्लस की लग्या होना तो पास्ट परफेक्ट है, तो की लगूगा हैड लगूगा, नाल की लग जाएगा बी। वर्ब की पहली फॉर्म नाल बच्चा आई एन जी। मैं क्या सी ना जिथे तुहानूं कॉन्टीन्यूस मिल गया, जिथे भी तुहानूं की मिल गया बच्चा कॉन्टीन्यूस मिल गया, उत्थे वर्ब की पहली फॉर्म नाल आई एन जी असीं लाना ही लाना है। तो प्लस की लग जाएगा तुहाडे कोल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस की होएगा ऑब्जेक्ट होएगा। जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं बोला शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। ये 2019 तो की कर रही है जी, इंग्लिश सीख रही है, ठीक है जी। तो देखो पहचान देखो मैं की बोल रही है, तो रहा सी या तो रही सी, समझ लगी। इन्ह चीज़ों तुम ध्यान से रखते हुए अपनी टेंस की जी बनानी है। हूँ रही गल नैगेटिव की, तो नैगेटिव किमें बनूगा जिमें मैं बोलता शी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, क्लीयर है जी। तो ये थोड़ा नैगेटिव फॉर्म के बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, क्लीयर है जी, ठीक है। तो जे इंटैरोगेटिव बनाना होगा तो इंटैरोगेटिव नॉर्मल जी गल है, हैड आप अगे लगा देंगे जी, अगे विच जिमें हम इधर है ना हैड मैं अगे लगा देंगे इन दैट केस, जिमें हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, ठीक है। आ थोड़ा हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव नेचर का हो गया, ठीक है बच्चा। ए हो गया जो हैड लग गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगूगा, ठीक है। तो ए हो गया थोड़ा इंटैरोगेटिव, थोड़ा हो गया जी इंटैरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो ये हो गया जी थोड़ा नॉट लग गया, तो केड़ी नेचर है थोड़ी ये नैगेटिव नेचर है, समझ लगी रही गल की। तो ये फिलहाल थोड़ा इन्ना ही पता होना चाहिए भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की असली पहचान की होंगी है, वर्ब केड़ी लगानी है, नोट कित्थे लाना है, तो इंटरोगेटिव किवें बनाना है, क्लीयर है जी। चलो नैक्सट देखो जी, ये हो गया तुहाडा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। मतलब असी प्रेजेंट नेचर के भी देख लिए सारे, असी पास्ट नेचर के भी देख लिए। हुण असी गल करनी है बच्चा फ्यूचर बारे। फ्यूचर मीनस जो साडा आने वाला भविख है वो बारे जो असी गल करांगे। पहली गल तो उदी जे मैं पहचान की गल करा तो आवाज़ आती है जी गा या ही, ओह जावेगी खावेगी पढ़ रही होवेगी सो रही होवेगी सैटल हो चुकी होवेगी गा गा गी, ठीक है जी। इस तरह की फ्यूचर की आवाज़ है, अपने मैं ही काम करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, ठीक है। तो मतलब वो आप किस कह रहे होने, ये काम उदों कह रहे होने जो असी काम कि करने होंगे फ्यूचर च करने होंगे, ठीक है जी। तो हुण इहदी जी गल करिए तो इहदी टाइप्स आउंदियां। पहला लिखो जी सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या वी कैन से दैट फ्यूचर इनडेफिनेट भी कह सकते हो तुसीं। तुसीं इहनूं सिंपल अपना फ्यूचर तो इलावा इहनूं फ्यूचर इनडेफिनेट भी कह सकते हो। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट दे विच की हुंदा जी नॉर्मल तुहाडा फ्यूचर इंडेफिनिट की गल करिए तो दोनों सेम ने। पहला तो तुहानू सब नू पता सबजैक्ट लगूगा, सबजैक्ट में की कहा सी कोई नाउन या प्रनाउन हुंदा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सबजैक्ट लग गया जी, प्लस जी तुहाडा की लगेगा नाल विल या शैल, विल या शैल प्लस की लग जाएगा ऑब्जैक्ट लग जाएगा, ओ सॉरी नॉट ऑब्जैक्ट वर्ब आउगी। वर्ब की पहली फॉर्म लानी है, प्लीज़ काइंडली नोट डाउन, वर्ब की केड़ी फॉर्म लगूगी जी, पहली फॉर्म लगूगी, ठीक है। तो नाल की लगावांगे बच्चा अपना ऑब्जैक्ट लगावांगे, नाल की लगावांगे ऑब्जैक्ट। ये चीज़ नू नोट डाउन करो तो कोशिश करो भी तुसी एक अद्धे एग्जाम्पल की है जी बना सको, ठीक है जी। तो ये देखो भी की लगाना है, सबजैक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, तो वर्ब की पहली फॉर्म तो नाल की लगूगा ऑब्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं बोलां जी she will ओहो, she will read the गीता, वो की करेगी जी गीता पढ़ेगी, ठीक है। साउंड की आएगा जी गायागी, ये लिख लो साउंड तो कादे मिलनगे जी गायागी दे मिलनगे, क्लीयर है जी। जब मैं बोला she will meet us on नेक्स्ट मंडे, ये सानू कदों मिलेगी नेक्स्ट मंडे मिलेगी, क्लीयर है जी। ये चीज़ों का तुसी की रखना है बई ध्यान रखना, सॉरी इतने ऑन नहीं आता कटिया जाऊगा, नेक्स्ट मंडे लिखता बस नॉर्मली, शी विल मीट अस नेक्स्ट मंडे, ये चीज़ का ध्यान रखियो। जिवें हुण टुमोरो लिखिया जाता है ना, यस्टरडे लिखिया गया, नेक्स्ट करके लिखिया गया, तो कोई भी अगे प्रैपोजिशन जिवें पहला होने लाता सी ना, कोई प्रैपोजिशन की जरूरत नहीं होगी, समझ लगी तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। हम देखो नवी चीज़ सीखने मिल गई थोनू, क्लीयर। शी विल मीट अस नैक्सट मंडे, कहते सूँ कदों मिलेगी नैक्सट मंडे। हूँ मैनू भी मतलब चले काम कदों ना, देखो नैक्सट मंडे, नैक्सट मतलब की होंगे बई आने वाला, जो नैक्सट दसा रहे नैक्सट थोड़ा फ्यूचर में लैके आ है ना, भी जो काम थोड़ा होना कदों होना है फ्यूचर में होना है, तो अफकोर्स की गल फ्यूचरली टेंस कि बनया होया, फ्यूचर टेंस बनया होया, फ्यूचर इंडेफिनिट बनया होया, क्लीयर है जी। तो इन्होंने गलों का की रखना है बई ध्यान रखना हैगा, ये थोड़ा हो गया, ठीक है। हूँ तुम कहोगे मैम तुम क्या है विल तो शैल, कि मैम ये भी सिंगुलर प्लूअल देखना, नहीं जी ये सिंगुलर प्लूअल नहीं देखना। देखो जी विल लिख लो, विल तो जी फर्स्ट परसन नाल भी लग जाता है, लिख लो विल तो फर्स्ट परसन नाल भी लग जाएगा, विल तो सैकेंड परसन नाल भी लग जाता है। हुण तुहानू सबनू पता प्रोनाउन जे तां किसी ने मेरे को कीता है तुहानू पता होगा भी मैम की कहना चाह रहे, फर्स्ट परसन मैम किनू कह रहे हैं, सैकेंड परसन किनू तो थर्ड परसन किनू, क्लीयर है जी। तो जो फर्स्ट परसन है फर्स्ट परसन नाल भी विल, सैकेंड नाल भी ते और थर्ड नाल भी की है जी अपना लग जाता है। पर जे गल करिए सी शैल दी, शैल किदे कितना लगता है, शैल लिखो जी आई ते वी नाल लगता है, नोट डाउन करो शैल लगता है जी आई ते वी नाल ऑन यू, ठीक है जी। लिख लो फ्यूचर टेंस दे विच जेड़ा शैल है वह किदे कितना लगता हैगा आई ते वी नाल, क्लीयर है जी। एक गल होर ध्यान दिओ, इंटैरोगेटिव दे विच लिखो ऊ भावें तुसीं शैल किते लगाओ ना लगाओ, इंटैरोगेटिव दे विच जी कंपलसरी है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। इंटैरोगेटिव दे विच तुसीं शैल ही यूज करोगे किदे नाल भला आई ते वी नाल, क्लीयर है जी। नोट डाउन कर लो भी आई ते वी दे नाल शैल यूज करना की है जी कंपलसरी है जो तुसीं इंटैरोगेटिव की गल करोगे, क्लीयर है जी। नोट डाउन कर लो, विल तां आपां सारे नाल यूज करना ही करना हैगा, ठीक है जी, गुड। नाउ नैक्सट आंदा है जी तुहाडा फ्यूचर कंटीन्यूस, केयर टेंस है जी थोड़ा फ्यूचर कंटीन्यूस, ठीक है जी। फ्यूचर कंटीन्यूस की की पहचान है, वो पढ़ रही होवेगी, खाना खा रही होवेगी, देख रही होवेगी, लिख लो जिमें जिमें मैं पिछे बोल रही है ना तो उसी उधर तो पिछे पिछे लिखते जाओ, रही होवेगी रिहा होवेगी, ठीक है ना, लिखी चलो फ्यूचर कंटीन्यूस। तो उसी फिर ये अपनी डेली वॉइस दे विच भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा पता लग जाएगा भी पंजाबी की है तो उसी नाल दी नाल इहनू डेली लाइफ दे विच भी थोड़ा बहुत यूज़ करोगे, ठीक है। तो लिखो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, हुण फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की पहचान लिख ली, चलो जी। हुण इहदी जे आपां स्ट्रक्चर की गल करिए तो की होएगा बई सबजैक्ट प्लस ओही सेम एज विल या शैल, फिर कॉन्टीन्यूस की है तो नाल की आना चाहिए बई वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी, पर इत्थे लगूगा बी वर्ब की पहली फॉर्म नाल आई एन जी एक साडा जी ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लीयर है जी, ये नोट डाउन करो। पहला नॉर्मली पहचान करनी, देखो भी की क्या होया। ठीक है जी, ये कदों लगदा हैगा, यही जो फ्यूचर च काम होना हुंदा हैगा, फ्यूचर च काम होना हुंदा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम के पीरियड के विच होना हुंदा हैगा, कुछ टाइम के लिए वो काम की होगा जी जारी रहूगा, उदों हुंदा हुंदा हैगा। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लीयर है जी, जो कोई काम फ्यूचर च होना हुंदा बट कुछ समय के लिए जारी होना हुंदा हैगा। ठीक है, उदों। क्लीयर है जी, जिदा फॉर एग्जाम्पल ओह कल खेड रहे होंगे, ही विल बी प्लेइंग टुमारो, ओह कल खेल रहे होंगे। ठीक है जी, he will be waiting for me, ओ मेरे लिए वेट कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ों का की रखना, तुसी ध्यान रखना हैगा। ठीक है, मेनली थोनू ट्रांसलेशन का ही पता होना चाहिए भी की गल कही है की नहीं। क्लीयर है जी, बस तुसी ये देख लिया करियो भी जे सेंटेंस आया कि उहदे विच कोई फ्यूचर की टाइमिंग आई है, जे फ्यूचर की टाइमिंग एग्जिस्ट कर गई है ना तो टेंस अपना उत्ते फ्यूचर ही आऊगा। क्लीयर है, बाकी आप एग्जाम्पल्स करांगे, एग्जाम्पल तो दोनों काफ़ी क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया थोड़ा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फिर आंदा भाई थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है भी, फ्यूचर च जो कोई काम हो चुका होगा, ठीक है, वह पढ़ चुकी होगी, खा चुकी होगी, जा चुकी होगी, बोलते नहीं वो तक तो आप कर लाँगे काम, है ना, तो ये होंगे ने फ्यूचर परफेक्ट। लिखो जी, जिहड़ा तुहाडा फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इहदा की हुंदा है, काम की होएगा, कंप्लीट होगा। काम की मन्निया जांदा, कंप्लीट मन्निया जांदा है, बट कदों मन्निया जांदा है, फ्यूचर दे विच। ये चीज़ लिख लो भी काम कंप्लीट मन्निया जाऊगा कदों, भला फ्यूचर च। परफेक्ट का मतलब ही यही हुंदा भी काम की हुंदा खत्म हुंदा। ठीक है जी, बट फ्यूचर च आ गया। ठीक है, तो लिखो जिदा फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव सैटल्ड इन अब्रोड, मतलब अब्रोड मीन्स बाहर। ठीक है, भी वो बाहर सेट हो चुका होगा। ठीक है जी, या फिर मैं बोल रहा हूँ ही विल हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2035। हूँ देखो 2035 कदों आना, फ्यूचर के विच आना हैगा। ठीक है, तो हम मैंने पता लग गया भी टाइमिंग की दी है जी, ये है ना बाय तो बाद जी थोड़ी टाइमिंग है कि आ रही है भाई फ्यूचर की आ रही है। इट मीनस जो थोड़ा टेंस होगा वो मोस्टली किहड़ा रहना चाहिए जी, फ्यूचर परफेक्ट रहना चाहिए। ये दसिया जा रहा है भी आ टाइमिंग है फ्यूचर की, ये तक कि अजे साडा काम फिनिश हो चुका होएगा। ठीक है जी, तो ये पहचान भी लिख लो भी काम ये की होंगे खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी, समझ लगी। वह सुबह आप बोलते सवेर तक तो वह आ जाऊगा, है ना, ये काम हो जाऊगा, जा चुका होगा, खा चुका होगा, लाइक दैट। ठीक है जी, इनू नोट डाउन कर लियो, थोड़ा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो यदि मैं एक बार पहचान दुबारा तो लिख देनी है। यदि पहचान होंगी है जी, पहला लगेगा सबजैक्ट, तो फिर जी अपना विल या शैल, सॉरी सबजैक्ट प्लस विल या शैल वेट, विल शैल प्लस हैव लगूगा जी। ठीक है जी, वर्ब दी फिर पहली फॉर्म, सॉरी वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है जी, वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस की लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो याद रखियो इन्हों आज मोस्टली जी थोड़े को फ्यूचर की कोई ना कोई टाइमिंग भी मे बी तो गिवन हो सकती है, भी चीज़ नोट डाउन कर लियो भी थोनू पक्का कोई ना कोई फ्यूचर की टाइमिंग बाय तो बाद दिती हो सकती है, तो कन्फ्यूज नहीं होना तुसी। ठीक है जी, क्लीयर। चलो जी, नैक्सट रह गया जी थोड़ा फ्यूचर, ये लास्ट है जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यू। क्या टेंस है जी, ये थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। क्लीयर है, पहले दीप जल्दी जल्दी पहचान लिखिए। ठीक है, लिखो जी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, एंड हैव ही लगाओगे। ठीक है, ये हैव ही लगाओगे, हैज नहीं लगाओगे, मैसेज दे विच तुसी मैनूं दसोगे कमेंट सैक्शन दे विच वी हैव क्यों लगाना हैगा, ठीक है। तुसी दसोगे वी हैज़ क्यों नहीं आंदा, क्लीयर है। सब्जैक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, इधर लगूगा बीन, फिर जी वर्ब दी पहली फॉर्म ना आई एन जी प्लस लगेगा जी ऑब्जेक्ट। जिदा फॉर एग्जाम्पल ही विल बी लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मतलब वही सेम है जी कंसेप्ट थोड़ा सिंह से फॉर वाला, ठीक है। भी ओग एदा मतलब की है भी काम वो सीख रही होएगी, ठीक है ना। ओहो 3 घंटिया तो पढ़ रही होवेगी, देखो लिखो जिमें मैं बोल रही हूँ 3 घंटे तो पढ़ रही होएगी, 2 साल तो जा रही होवेगी, है ना, 3 साल तो सीख रही होवेगी, मतलब फ्यूचर च काम चलूगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी सिखाया सीगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी सिखाया सी, तो ये किस टेंस है थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, क्लीयर है। तो एक अद्धा आप होर लिख लेंगे जी ये एग्जाम्पल थोड़ी याद रह जाएगी, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है भी असी मतलब यूज़ किमें करना, ठीक है जी। जिमें फॉर एग्जाम्पल जी लिखो been, wait she will have been आना सी, सॉरी रजी मैं तो गलत कह गई, wait इतने will have been, he will have been, been यूज करा, will have been, ठीक है, या फिर he will have been playing football, ओहो फुटबॉल खेल रहा होगा, देखते कदों तो फुटबॉल for 2 hours, ठीक है। वो 2 घंटिया तो फुटबॉल खेड रहे होंगे, ठीक है जी। बाकी ना जी आप करांगे हूँ इस तो बाद जो टेंस है ना ये तुसी ने रिवीजन से लै लियो, ठीक है। फिर आप टेस्ट कंडक्ट करवा लाँगे थोड़ा प्रोपर जिमें एज यूजल थोड़ा होंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर तो बाद टेस्ट कंडक्ट करते होंगे ना, ठीक है। इस तो बाद जी टेस्ट, तो वीडियो में चंगी तरह देखना है, क्लीयर है जी। चलो